छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब कांग्रेस भी एक्शन मोड में आ गई है। रायपुर स्थित कांग्रेस भवन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक शनिवार को हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में कांग्रेस भवन में शनिवार को पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई। इसमें विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस 75 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, यही हमारा लक्ष्य है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि कांग्रेस की पहली लिस्ट 6 सितंबर तक आ जाएगी। शैलजा जी बोलेंगे, हमारा एक ही लक्ष्य है, 75 सीट हमारा टारगेट है छत्तीसगढ़ में। उसके बारे में हम चिंता कर दिया, प्लान कर दिया, वी हम जीतेंगे बिल्कुल। हमारी पीएसी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हमारी दूसरी कमेटियां भी गठित हुई हैं, उनका भी कार्य सुचारू रूप से चले, उनकी भी मीटिंग अब रेगुलर ढंग से होंगी। आगे का हमारा कार्यक्रम जो नीचे जमीन से लेकर बूथ से लेकर चल रहा है वो भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारे ऑब्जर्वर्स आए हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स सीनियर ऑब्जर्वर हमारे प्रीतम सिंह जी उत्तराखंड से, और 11 के 11 संसदीय क्षेत्रों के 11 ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक हैं, वो अपना कार्य करेंगे जमीन पर जाकर लोगों के साथ, वो अपना कार्य करेंगे। उनकी भी मीटिंग हुई है और आगे का कार्यक्रम इस तरह से होता रहेगा। जैसे जैसे हमारे कार्य होंगे, हमारी मीटिंग होंगी, हम आपसे, आप जानते ही हैं, मीडिया से हम कभी छुपाते नहीं हैं, आपसे रूबरू होते रहेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण जो हम बात आपसे शेयर करना चाहेंगे, हमारे वरिष्ठतम नेता छत्तीसगढ़ में हमने उन्हें न्योता दिया है और मुझे खुशी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि दो तारीख को राहुल गांधी जी रायपुर में आएंगे, उनकी मीटिंग होगी। मीटिंग क्या हम सम्मेलन करेंगे, जो हमारे युवा हैं वो राहुल गांधी जी की ओर देखते हैं, क्योंकि देश में आज जो हाल हो गया, उम्मीद की किरण देश के युवा को केवल राहुल गांधी जी में नजर आती है। तो जो हमारे मितान युवा, उनका सम्मेलन एक हम करेंगे, और राहुल गांधी जी युवाओं से मिलना पसंद करते हैं आप जानते हैं, तो वो एक सम्मेलन हमारा होगा 2 तारीख को। इसके पश्चात 8 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे, 8 तारीख को फिर से हमने उन्हें न्योता दिया है, वो आएंगे और उनका कार्यक्रम है, 8 तारीख को उनका कार्यक्रम है। और इसके पश्चात और नेता भी आएंगे, प्रियंका जी को भी हम न्योता दे रहे हैं, और ये नेता फिर आएंगे। और पूरे राज्य में बहुत डिमांड आ रही है, मुश्किल ये है कि समय कम है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है इन नेताओं की। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं 2 तारीख को, जैसे पहले प्रियंका जी भी आई, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, 2 तारीख को फिर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और 8 को फिर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। इस प्रकार से जैसे जैसे आगे कार्यक्रम बनते जाएंगे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे।